केस वही है, ठीक है। देखें धारियां खत्म हो गई है ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ब्रीडिंग वर्ड फॉर्म्स। अच्छा दोस्तों, एक और एजुकेशनल सीरीज का कह लें कि हम आगाज़ करते हैं। कुछ डाउट्स होते हैं बहुत सारे दोस्तों के दरमियान के यार, ब्लैक फेस अक्सर ब्लैक फेस और ब्लैक फेस ब्लैक ब्रस्ट में क्या डिफरेंस है। अक्सर दोस्त हैं वो ब्लैक फेस कहते हैं और फिर कहते हैं कि जी जो है ना ब्लैक ब्रस्टेड भी है, BFBB जिसे हम कहते हैं, क्योंकि BFBB ऐसा बर्ड है जो एक ब्रिज है दोनों, आप चाहे उसको 3B की तरफ ले जाएं, चाहे उसको आप फुल ऑरेंज की तरफ ले जाएं। तो BFBB बड़ा ही इम्पॉर्टेंट बर्ड है और अगर उसके नीचे उसके ऊपर वो ऑरेंज का स्प्लिट भी है तो सोने पे सुहागा है। उसको BCBB की फीमेल दें, OBBB की फीमेल दें, फुल ऑरेंज निकालेगा। उसके बाद बास जो मैंने बर्ड अपना तैयार किया है BFBB स्प्लिट BC स्प्लिट OB, ये ऐसा बर्ड है, इसको BCBB देंगे 3B निकालेगा, इसको OBBB देंगे फुल ऑरेंज निकालेगा। वो बर्ड मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरा एक दूसरा और बर्ड है। अच्छा, पहले तो हम देख लेते हैं कि यार हमारे BF में और अकेले ब्लैक फेस में और BFBB में क्या डिफरेंस है। तो ये दो बर्ड्स मैं अभी लेके आया हूँ, दोनों ही मेरे घर के हैं और दोनों ही मेरे अपने बर्ड्स हैं कह लें। इसमें एक BF है और एक BFBB है, ठीक है। ये दोनों बर्ड्स मेरे अपने और मैं इनको आपको पकड़ के वन बाय वन मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सको, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि जी देखें हमने BFBB खरीदा है, लेकिन वो अकेला BF होता है, ठीक है। तो उनको फिर मेहनत करनी पड़ती है कि जनरेशन के यार अब इसके BB के स्प्लिट ले लें या इसको BF के साथ BB बनाएंगे तो फिर ये बर्ड आगे फिर चलेगा। तो अगर आप परचेज कर रहे हो तो आपने ये धोखा नहीं खाना। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ BF कि BF क्या होता है, अकेला BF, ठीक है। मैं उसको दिखाता हूँ पकड़ के और उसकी मैं निशानियाँ बताता हूँ कि ये अकेला BF है, ये ब्लैक ब्रस्टर्ड नहीं है। आपको देखने में तो ऐसा ही लगता है कि यार BF भी है, लोग देखते हैं उसका जो फेस का एरिया है वो ब्लैक है और ब्रेस्ट भी आपको ब्लैक नज़र आ रही होती है तो लोग कहते हैं जी BFBB। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने इसकी तरह धोखा नहीं खाना। मैं आपको दिखाता हूं कि ब्लैक फेस अकेला होता क्या है। ये एक मेरा बर्ड है माशाल्लाह, अंडर साइज है, इसकी माँ एग्जी थी, बाप जो है वो अंडर था तो अंडर से थोड़ा बड़ा है। ये वाला मेल है, ठीक है। अब इस मेल में देखें ये ब्लैक फेस है, ठीक है, देखें ये ब्लैक फेस है, आपको फेस नजर आ रहा है ना इसका, देखें सीधा आपके, देखें ये चूंच और जो गाल के दरमियान वाला एरिया है ये ब्लैक फेस कहलाता है। अब आपको नजर आ रहा है बड़ा जबरदस्त तरीके से, देखें ये होता है ब्लैक फेस। अच्छा, अब देखने में तो इसका सीना भी लग रहा है कि यार ये ब्लैक ब्रस्टर्ड का सीना है, लेकिन नहीं, आपने सीने को नहीं देखना, इसका जो चेस्ट है आपने इस चेस्ट को नहीं देखना। ओ बस बस, बहुत माशाल्लाह कलूनी से पकड़ा है तो है, काफी एक्टिव माशाल्लाह। ओए ना काटी, ये फेस की निशानी ये भी होती है कि अग्रेसिव होता है। ओके, ये जो है ना सीना, ये नहीं देखना आपने। अब ये अकेला ब्लैक ब्रस्ट है, सॉरी अकेला ब्लैक फेस है, ठीक है। इसमें ब्लैक ब्रस्ट क्यों नहीं है, जबकि अक्सर दोस्त कहेंगे कि यार इसका सीना तो हमें ब्लैक नजर आ रहा है। हम देखें ब्लैक ब्रस्ट की सबसे बड़ी निशानी, मैंने पहले भी आपको बताया, आपने टेल मार्किंग देखनी है, ये वाली, ये टेल मार्किंग, ये इसकी टेल मार्किंग ज़ेब्रा में आ रही है, ठीक है। ये स्प्लिट तो है बीबी का, लेकिन ये पूरा ब्लैक फेस ब्लैक ब्रस्टर नहीं है। देखें आपने इसको, ये भी देखनी है टेल मार्किंग के ब्लैक ब्रस्ट है कि नहीं। दूसरा निशानी, ये सबसे बड़ी निशानी, आपने फेस तो क्योंकि प्रोमिनेंट है, फेस आपको पता चल रहा है कि यार फेस इसका ब्लैक है, लेकिन इसका सीना कैसे ढूंढेंगे, आपने सीना नहीं देखना, ये आपने और दो चीजें देखनी है, एक टेल देखनी है कि टेल इस तरह की नहीं होती उसकी, और दूसरा उसकी ये धारियां नजर आ रही हैं आपको ज़ेब्रा वाली, ये वाली लाइनें, ये गर्दन के नीचे, ये काट काट के मेरी उंगली इसने ना, अरे बड़ा सख्त से काट रहा है। अच्छा,
ये वाली जो है ना, ये जो धारियां नजर आ रही हैं ज़ेब्रा की, ये भी ब्लैक ब्रस्टेड के नहीं होती। तो अब आपको पता चला कि ब्लैक फेस क्या है। ये ब्लैक फेस देखें, इसकी ज़ेब्रा आपको निशानी है, आपको ज़ेब्रा धारियां नजर आ रही है ना, ये ब्लैक ब्रस्टेड में धारियां नहीं होती, आपने गौर से देखना है। और अगर किसी में एक दुक्का दुक्का आ भी जाए तो नो इशू, लेकिन ये वाली टेल मार्किंग नहीं होनी चाहिए। ये टेल मार्किंग ब्लैक ब्रस्टेड की नहीं है, आपने यहां से पहचानना है, उसको सीने से नहीं पहचानना, ठीक है। तो ये था हमारा ब्लैक फेस। इससे पहले कि इसका स्ट्रेस में जाए, मैं इसको छोड़ के आपको अब दिखाता हूं ब्लैक फेस ब्लैक ब्रस्ट। मेरा जो अपना घर का कह लो के मेल है, वो ब्लैक फेस भी है ब्लैक ब्रस्ट भी है, बेचारे की इतने पर तो ब्लैक फेस ब्लैक ब्रस्ट भी है। और उसको मैंने इस तरह तैयार किया है कि वो ब्लैक फेस ब्लैक ब्रस्ट दो फैक्टर और दो ही स्प्लिट के फैक्टर हैं उसके अंदर, ऑरेंज और बीसी का। ऑरेंज का मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन बीसी का नहीं पता चलता कि बीसी स्प्लिट है कि नहीं, क्योंकि बीसी स्प्लिट आपको पता होना चाहिए कि यार ये इसकी माँ कौन थी या बाप कौन था, उसमें से कोई बीसी होगा तो फिर ये आएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं BFBB। बेसिकली हम कंपैरिजन कर रहे हैं BFBB, BF में और BFBB में। अब देखें, ये फिर वही मेरे हाथ में आ गया। एक्चुअली देखने में लगते दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, ये आ गया। अब ये वाला जो बर्ड है ना, ये ब्लैक फेस ब्लैक ब्रस्ट है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें, ये फेस देखें, फेस वही है, ठीक है। देखें धारियां खत्म हो गई है ना, आप देखें इसके गले के नीचे वो वाली जो ज़ेब्रा की धारियां थी वो खत्म हो चुकी हैं, बस होए। देखें, समझ आई आपको? देखें, ये ब्लैक फेस ब्लैक ब्रस्ट है, ये वाला पूरा ब्लैक फेस, ओए ना करो, काट रहा है मुझे, ब्लैक फेस ब्लैक ब्रस्ट। अच्छा, ब्लैक ब्रस्ट की सबसे बड़ी निशानी टेल मार्किंग, देखें ज़ेब्रा वाली नहीं है, सीधी लाइनें नीचे आ रही है, सीधी सीधी पट्टे, सीधे पट्टे नीचे आ रहे हैं, देखें लाइनें हवर ग्रास की तरह। अब देखी आपने ब्लैक ब्रस्ट, आपने टेल मार्किंग से देखना है, फेस तो आपके सामने है, फेस तो ब्लैक है ही है इसका। अब मैंने इसको पहचानना कैसे है ब्लैक ब्रस्ट है कि नहीं, आपने इसका ये देखना है कि ये ब्लैक ब्रस्ट टेल मार्किंग सबसे बड़ी निशानी, सबसे पहले आपने ये देखनी है कि ब्लैक ब्रस्ट भी है कि नहीं है, उसके बाद आपने धारियां भी देख लेनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि यार देखे इसकी धारियां बिल्कुल नहीं है। ये माशाल्लाह बहुत प्यारा बर्ड है, और ये ब्लैक ऑरेंज का कह लें कि स्प्लिट भी है, बीसी का स्प्लिट नहीं दिखाता। ऑरेंज का स्प्लिट कैसे है, इसका हेड देखें, ठीक है, हेड देखें, अच्छा इसके इसके ये विंग्स देखें, ठीक है। अब सबसे बड़ी निशानी स्प्लिट की, इसके इसके जो विंग्स है ना, उसके अंदर वाली साइड, उसके अंदर आपने देखना है कि ऑरेंज है कि नहीं है। ये देखें, ये वाले, ओए भाई सबर कर एक मिनट, ये देखें, अब पता चला ये होता है ऑरेंज ब्रस्ट, देखें फुल ऑरेंज है, ठीक है। अब इसको मैं अगर बीसी बीबी की फीमेल देता हूं तो ये 3B निकालेगा, क्योंकि मुझे पता है ये बीसी का स्प्लिट भी है। और अगर इसको मैं ओबी बीबी की फीमेल देता हूं तो ये माशाल्लाह फुल ऑरेंज निकालेगा, देखा भाई बड़े अग्रेसिव हैं माशाल्लाह। तो ये वाले दो बर्ड्स मैंने आप लोगों को कंपैरिजन दिखाया, काफी बेचारों के फीडर्स गिर चुके हैं, ये देखें। तो होपफुली कि आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल और बड़ा मैंने वाजे तौर पे बताया कि धोखा आपने नहीं खाना। अगर कोई कहे जी BFBB का मेल है, क्योंकि BFBB का मेल आपको कम अज कम भी 7,000-9,000 से कम नहीं मिलता। ब्लैक फेस का लोग बेच देते हैं 8,000 का बना के कि ये BFBB है, नहीं, वो केला ब्लैक फेस होता है। अब आपको मैंने दो बर्ड दिखाए, एक ब्लैक फेस और दूसरा था ब्लैक फेस ब्लैक ब्रस्ट, BF एंड BFBB, और उसके अंदर स्प्लिट था OB स्प्लिट BC। तो ये मैंने खुद तैयार किया अपने बर्ड्स कि यार इनको मैं जिस तरफ मर्जी चाहे फुल ऑरेंज निकाल लूँ चाहे फुल ब्लैक निकाल लूँ। तो ये वाले बर्ड्स हैं। अब इन के अलावा मेरे अब यही था वीडियो के यार थोड़ा सा एजुकेशनल हो जाए, ताकि न्यू फैंसियर या जितने नए म्यूटेशन में आना चाह रहे हैं तो उनको पता चल जाए कि यार ये, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दो बर्ड्स में चीज़ें काउंट करना, क्योंकि
लोग आपको BFBB बना के, आप बड़े खुश होते हो कि हम ले आए यार BFBB आ गया, मैं इसको BCBB की फीमेल दूंगा, मैं इसको OBBB की दूंगा, मैं फुल, इनका पता चलेगा कि बाद में वो अकेला ब्लैक फेस है और बच्चे जो हैं उसके अंदर भी कोई बीबी आ ही नहीं रहा, वो स्प्लिट आ रहे हैं, आपने बीबी की फ़ीमेल दी है, तो वो ये वाली चीज़ आपने हमेशा, तो आपका जो वर्किंग है म्यूटेशन की वो आपकी 3-4 महीने आगे रुक जाएगी और उसके आगे बर्ड्स फिर वो बड़े होंगे, फिर जवान होंगे, फिर उसके बाद तो आपको एक जनरेशन का गैप मिल जाएगा। तो क्यों ना जब आप परचेज करने जाओ जिस चीज़ के आप पैसे दे रहे हो तो वही चीज़ गारंटी के साथ आपको मिलनी चाहिए। तो ये वाली कुछ चीज़ें थी जो मार्केट में थोड़ा कन्फ्यूजन थी, लोग दोस्त मेरे और सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स और फ्रेंड्स जो भी फैंसियर्स हैं, सारे दोस्त, बहुत सारे जो नए हैं उनके लिए ये एक था एजुकेशनल कि यार उनको पता चल जाए, क्योंकि उन मैसेजेस भी बहुत आ रहे थे इसके ऊपर कि हमें ब्लैक फेस ब्लैक ब्रस्ट में कोई हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि लगते तो दोनों ही ब्लैक फेस हैं और सीना भी दोनों का ब्लैक ही नज़र आता है। तो ये वाली चीज़ थी, मैं सोचा कि आप लोगों को क्लियर करूँ। चले दोस्तों, ये थी हमारी आज की वंडरफुल वीडियो, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और नए हैं मेरे चैनल पर तो लाजमी सब्सक्राइब करना बनता है और बेल का जो आइकन है उसको दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। होपफुली आप भी ठीक होंगे, आपके बर्ड्स भी ठीक होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।